सुप्रभात प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम उपस्थित हैं हिंदी कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक व्याकरण निपुण भाग 1 के पाठ पत्र लेखन के मॉड्यूल संख्या 1 के साथ लेखन का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन एक कला है। आधुनिक युग में पत्र लेखन को कला की संज्ञा दी गई है। पत्रों में आज कलात्मक अभिव्यक्तियां हो रही हैं। साहित्य में भी इसका उपयोग होने लगा है। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा। एक अच्छे पत्र के लिए कलात्मक सौंदर्य बोध और अंतरंग भावनाओं का अभिव्यंजन आवश्यक है। एक पत्र में उसके लेखक की भावनाएं ही व्यक्त नहीं होती बल्कि उसका व्यक्तित्व भी उभरता है। इससे लेखक के चरित्र, दृष्टिकोण, संस्कार, मानसिक स्थिति, आचरण इत्यादि सभी एक साथ झलकते हैं। अतः पत्र लेखन एक प्रकार की कलात्मक अभिव्यक्ति है। लेकिन इस प्रकार की अभिव्यक्ति व्यावसायिक पत्रों की अपेक्षा सामाजिक तथा साहित्यिक पत्रों में अधिक होती है। पत्र लेखन की परिभाषा। दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं। प्रभावशाली पत्र कैसे लिखे? पत्र का लेख सुंदर, शुद्ध एवं सुवाच्य हो। पत्र की भाषा सरल, वाक्य छोटे एवं असंदिग्ध हो। पत्र के विषय को अलग अलग अनुच्छेद में लिख सकते हैं। विषय की पुनरावृत्ति कभी ना करें। औपचारिकता को अधिक विस्तार ना दें। आवश्यक बातों को प्राथमिकता देकर पहले लिखें। पत्र में कभी कठिन भाषा एवं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। पत्र के प्रकार। पत्रों को विषय, वस्तु एवं शैली के आधार पर दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है औपचारिक पत्र, दूसरा अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी संदर्भों में औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यवसायिक, कार्यालय और सामान्य जीवन व्यवहार के संदर्भ में लिखे जाने वाले पत्रों को शामिल किया जा सकता है। इन पत्रों में संक्षिप्तता, स्पष्टता और स्वतःपूर्णता की अपेक्षा रहती है। औपचारिक पत्रों के अंतर्गत दो प्रकार के पत्र आते हैं। पहला है सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यवसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। दूसरा है सामान्य जीवन व्यवहार करे या अन्य विशिष्ट संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। पता और दिनांक। पत्र के बाईं ओर कोने में पत्र लेखक का पता लिखा जाता है और उसके नीचे तिथि दी जाती है। संबोधन तथा अभिवादन। जब हम किसी को पत्र लिखना शुरू करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए किसी न किसी संबोधन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, श्रद्धेय, प्रिय, प्रियवर, मान्यवर, प्रिय। संबोधन का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में किया जाता है, जैसे अपने से छोटे के लिए, अपने बराबर वालों के लिए, घनिष्ठ व्यक्तियों के लिए, औपचारिक स्थिति में मान्यवर, प्रिय महोदय, महोदया, प्रिय, श्री, श्रीमती, सुश्री, नाम या उपनाम, प्रिय, नाम जी आदि। औपचारिक पत्र के प्रकार। औपचारिक सरकारी, अर्ध सरकारी और व्यावसायिक संदर्भों में लिखे जाने वाले पत्र। इनकी विषय वस्तु प्रशासन, कार्यालय और कारोबार से संबंधित होती है। इनकी भाषा शैली निश्चित सांचे में ढली होती है और प्रारूप निश्चित होता है। सरकारी कार्यालयों, बैंकों और व्यावसायिक संस्थानों द्वारा किए जाने वाले पत्र व्यवहार इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। अतः विभिन्न पदों के लिए लिखे गए आवेदन पत्र भी इसी श्रेणी में आते हैं। औपचारिक पत्र का प्रारूप। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, विद्यालय का पता,
दिनांक, विषय, मान्यवर महोदया या महोदय, संदेश, धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी छात्र छात्रा, नाम। औपचारिक पत्रों के कुछ उदाहरण। शहर में शहर की बसों की बिगड़ती हालत की सूचना देते हुए समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए। संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। विषय, शहर की बसों की बिगड़ती हालत। महोदय, मैं आपके समाचार पत्र के माध्यम से बताना चाहता हूं कि दिनांक कि दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था चरमरा गई है। सरकारी बस सेवा DTC में अधिकतर बसें खराब रहती हैं तथा शेष अपने निर्धारित रूट पर नहीं चलती। निजी बस चालक यात्रियों की परवाह नहीं करते, वे लापरवाही से बस चलाते हैं तथा इस कारण अनेक दुर्घटनाएं होती हैं। दुर्घटनाओं को देखते हुए इन बसों को किलर बसें कहा जाता है। अधिकारियों व सरकार को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए। भौदी आबा शाह, स्थान का ख का, दिनांक 10/7/2020। तो बच्चों, आज बस इतना ही। चलो देखते हैं कि आज आप लोगों ने क्या सीखा। बहुविकल्पी प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, पत्र लेखन में संबोधन किसे किया जाता है? आपके विकल्प है, का प्रेषक का पता, खा हाशिए, गा प्राप्तकर्ता के पते को, घा प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या हो? प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह। आपका अगला प्रश्न, एक डॉक्टर द्वारा दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कैसे संबोधन का प्रयोग करता है? आपके विकल्प हैं, महोदय, महोदया, मिस्टर, मिस, प्रिय डॉक्टर। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? महोदय, महोदया। आपका अगला प्रश्न है, स्वनिर्देश हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? आपके विकल्प हैं, महोदय, महोदया, भवदी, भवदीया, श्रीमान, प्रिय। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? भवदी, भवदीया। आपका अगला प्रश्न है, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? आपके विकल्प हैं, का 3, खा 4, गा 5, घा 2। तो बच्चों, आपका सही विकल्प क्या है? घा 2। लघुत्तरी प्रश्न, आपका पहला प्रश्न है, औपचारिक पत्र किसे कहते हैं, इसके प्रकार लिखिए। आपका दूसरा प्रश्न है, पत्र लेखन एक कला है, स्पष्ट कीजिए। धन्यवाद बच्चों, अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं।